हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सपिता भार्गव एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मास्टरमाइंड स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ने जाएंगे। फूड जो हम खाते हैं उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें सर्वाइव करने में और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन, द स्टडी ऑफ फूड एंड डाइट इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? फूड की स्टडी करना न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल फाउंड इन फूड्स दैट आर एसेंशियल टू ह्यूमन ग्रोथ एंड फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल्स होते हैं फूड में जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें अलग अलग फंक्शन करने में मदद करते हैं। देयर आर 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की 6 क्लासेस हैं, 6 प्रकार हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये न्यूट्रिएंट्स के 6 प्रकार हैं जो कि बॉडी में होना जरूरी है। ऑल 6 हैव सर्टेन फंक्शन दैट टारगेट अ डिफरेंट बॉडी पार्ट एंड टुगेदर दे इंश्योर द स्टेट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। ये 6 जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बॉडी में अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड, अलग अलग फंक्शन करते हैं और इनका बॉडी में होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब अलग अलग फंक्शन करके इंश्योर करते हैं कि बॉडी का अच्छे से ग्रोथ हो। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये काय काय से बने होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड मेनली एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। और वो फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हम उन्हें बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, व्हीट, बनाना, पोटैटो, शुगर। दीज आर दी सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। फूड कॉमनली कंटेन 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चों, कार्बोहाइड्रेट हमने देखा कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज। 3 प्रकार के होते हैं, स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज। स्टार्च, स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज। स्टार्च होता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, उसका स्ट्रक्चर जो है वो पेचीदा होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर, शुगर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और स्वीट टू टेस्ट, इनका जब हम इन्हें खाते हैं तो हमें मीठे लगते हैं। इन नेचर इट इज़ फाउंड इन ग्रेप जूस। आप नेचर में अपने आसपास में शुगर कहाँ पाओगे? आप ग्रेप जूस में, जो हमारा अंगूर का जूस होता है उसमें हमें शुगर मिलती है। कॉमन शुगर्स आर सुक्रोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज। 3 प्रकार के कॉमन शुगर पाए जाते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज जो है वो केन शुगर में होती है, ग्लूकोज ग्रेप्स में होती है और लैक्टोज मिल्क में, दूध में होती है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। सारे कार्बोहाइड्रेट्स, भले वो स्टार्च हो, शुगर हो, सेलुलोज हो, सारे कार्बोहाइड्रेट्स लास्ट में जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं और ये हमको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं ब्लड के द्वारा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने सारे काम कर पाते हैं। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या होता है बच्चों? सेल्यूलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोज सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। हमारा जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है
और ये सेल को जो कवर करके रखता है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल्यूलोस सेल वॉल का एक मटेरियल है। और बच्चों सेल्यूलोस जो होता है ना उसको ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन पचान नहीं सकते। इट प्रोवाइड्स दी रफेज इन दी डाइट, ये रफेज प्रोवाइड करता है डाइट में। सेल्यूलोस इज इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स अस बाय प्रोवाइडिंग फाइबर इन आवर फूड विच हेल्प्स इन बाउल मूवमेंट। बच्चों जो सेल्यूलोस है वो रफेज प्रोवाइड करता है, फाइबर प्रोवाइड करता है। रफेज जो होता है प्लांट का वो पार्ट जिसे आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, रफेज और फाइबर प्रोवाइड करता है और ये हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए हम अपनी बॉडी से इसे एक्सक्रीट कर देते हैं, निकाल देते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या क्या है? दी कार्बोहाइड्रेट आर दी चीफ एनर्जी प्रोड्यूसर्स। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑल्सो दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉडियल टिश्यूज। अभी मैंने आपको बताया कि सेल्यूलोस जो होता है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, सेल हमारे बॉडी के अंदर होता है, इसलिए जो सेल्यूलोस है वो हमारी बॉडी का टिश्यू को हेल्प करता है बनाने में, बॉडी के टिश्यू में पाया जाता है। दे फाइबर्स प्रोवाइड रफेज इन दी डाइट, ये रफेज प्रोवाइड करते हैं डाइट में ताकि हम इन्हें आराम से अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर सकें, बाहर निकाल सकें। नाउ फैट्स, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट मेरा न्यूट्रिएंट था, वैसे ही फैट जो होता है वो भी न्यूट्रिएंट होता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट्स ऑल्सो कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के तरह ही जो फैट्स है उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन उसकी अमाउंट अलग अलग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में अलग अमाउंट में प्रेजेंट होता है और फैट में अलग अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स से हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड्स बोला था क्योंकि वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते थे, वैसे ही फैट्स भी एक एनर्जी गिविंग फूड हैं। सोर्सेस ऑफ फैट क्या क्या है? फैट हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? बटर से, मीट से, एग से और पनीर से, इन सबसे आपको फैट मिलता है। ना फंक्शंस ऑफ फैट, फैट के फंक्शंस क्या क्या हैं? दे आर द चीफ एनर्जी स्टोर्स ऑफ द बॉडी, ये एनर्जी स्टोर करके रखते हैं हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में एनर्जी को बचा के रखते हैं। विच फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग स्टारवेशन और अदर एमरजेंसी। जब भी आप कभी भी उपास करते हो, अगर आपने पूरे दिन से खाना नहीं खाया है फिर भी आपके अंदर एनर्जी होती है, भले ही कम होती है लेकिन एनर्जी ज़रूर होती है काम करने की। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आपको फैट प्रोवाइड करते हैं। फैट हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर बचा के रखते हैं, यही एनर्जी हमको बाद में काम आती है जब हमने खाना ना खाया हो या हम उपास कर रहे हों। फैट्स प्ले अ रोल इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक विटामिन ए डी ई के। जो फैट्स हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, जब हम विटामिन्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, इसमें फैट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ प्रोटीन्स, बच्चों हमने फैट्स के बारे में पढ़ा कि फैट क्या क्या होते हैं, वो काय के लिए हमारे लिए वो क्यों इतने यूज़फुल हैं, क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। प्रोटीन्स आर कंपाउंड्स फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रोटीन सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल हो या चाहे वो प्लांट हो। दे प्ले अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल्स एंड आर एसेंशियल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। प्रोटीन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको फंक्शन करने में हेल्प करता है, जो हम अपने काम कर पा रहे हैं वो एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमें और हेल्प कर रहा है हमारे फंक्शन करने में।
जो प्रोटीन है वो ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम होता है प्रोटॉन्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्राइमरी और फर्स्ट। प्रोटीन कैसे बना है, प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है प्रोटॉन्स। प्रोटीन्स आर वाइटल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। वाइटल मतलब क्या होता है बच्चों, वाइटल यानी बहुत ही आवश्यक, ज़रूरी। तो प्रोटीन्स हमें क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपेयर एंड देयर फंक्शन आर एंडलेस। प्रोटीन जो है हमारी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई भी सेल, कोई भी आपको कहीं भी लग जाए तो वहाँ के सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, प्रोटीन्स उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। और जो प्रोटीन्स है उसके काम तो एंडलेस है, मतलब हम गिना ही नहीं सकते, वो हमारी बॉडी में इतने सारे काम करता है। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वो फूड्स जिसमें प्रोटीन होता है उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, पल्सेस, फिश, मीट, एग। चार एग्जाम्पल्स हैं इसके, पल्सेस, फिश, मीट और एग। प्रोटीन डेफिशिएंसी कैन लीड टू सिम्टम्स सच एज फैटीग, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हेयर लॉस, लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, लॉस ऑफ मसल मास, लो बॉडी टेम्परेचर एंड हार्मोनल इरेगुलरिटीज। सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी इज फैटल। प्रोटीन्स हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इनकी डेफिशिएंसी के कारण कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि फैटिग। फैटिग यानी चक्कर आना, जैसे कभी आपको चक्कर आ जाए या धुंधला धुंधला दिखने लगे, इसे हम बोलते हैं फैटिग। प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण ये होता है, हेयर लॉस होना, हेयर का झड़ना, लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, जैसे आपके हेयर जो है वो ब्लैक से रेडिश हो जाते हैं, वो होता है लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, लॉस ऑफ मसल मास, बॉडी टेम्परेचर का कम होना या कोई भी हार्मोनल इरेगुलरिटीज़। इसके ये सब प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण ही होते हैं। प्रोटीन अगर आपके बॉडी में कम होगा तो आपको ये प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। कुछ प्रोटीन्स का कम होना तो बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, मतलब आपको ज़्यादा भी बीमारियाँ हो सकती हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। नाउ विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन्स काय में हेल्प करता है बच्चों, हमारी बॉडी को डिसीज से बचाने के लिए विटामिन हेल्प करता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, हमारे टीथ, दांत और गम्स यानी मसूड़े, इन सबको हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। विटामिन्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, हम उन्हें उनके अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के। ये सब अलग अलग विटामिन्स होते हैं। सारे विटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबका अलग अलग फंक्शन होता है। विटामिन्स की कमी से हमें बहुत सीवियर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आपने गोइटर देखा होगा, हमारा गला फूल जाता है, आँखों पर चश्मा लगने लगता है, आँखें खराब हो जाती हैं, किसी के भी हाथ दुबले पतले हाथ हो जाते हैं। तो विटामिन्स की कमी के कारण कई बीमारियां हो जाती हैं। नाउ सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स जो होता है बच्चों वो हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है, हमारी बॉडी विटामिन्स नहीं बना सकती है, इसलिए हमें विटामिन्स फूड से, बाहरी एलिमेंट से ही लेना पड़ता है। मैनी ऑफ द विटामिन्स आर नाउ सिंथेसाइज्ड एंड देयर नेचुरल सोर्सेस आर गिवन बिलो। आजकल बच्चों कई विटामिन्स हैं जो कि सिंथेसाइज, मतलब लैब में भी बनाते हैं साइंटिस्ट। कुछ विटामिन्स हैं जो हमें फ्रूट से, वेजिटेबल से भी मिलते हैं, जैसे विटामिन ए, ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, पम्पकिन, स्क्वैश, स्पेनिच एंड लीवर। विटामिन ए हमको काय काय से मिलता है, ऑरेंज से, संतरे से मिलता है, लीफी वेजिटेबल से मिलता है, राइप येलो फ्रूट्स जैसे कि पपीता हो गया,
जो येल्लो फ्रूट्स होते हैं मैंगो, इनसे हमें विटामिन ए मिलता है गाजर से। विटामिन बी काय काय से मिलता है बच्चों? पॉक, ओटमील, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, पोटैटोस, लीवर एंड एग्स, इन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन बी। विटामिन सी मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और लीवर, कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी फिश, एग्स, लीवर एंड मशरूम्स, इससे हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन के लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पेनिज, यग ऑक्स एंड लीवर, सारी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स से हमें विटामिन के मिलता है, जैसे कि पालक, मेथी, ये सब। आप लोगों ने देखा होगा कि लीफी वेजिटेबल्स यहाँ पे बार बार आया है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स विटामिन के बहुत अच्छा सोर्स है, अलग अलग विटामिन के सोर्स है ये, इसलिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल से ही सारे विटामिन, लगभग सारे विटामिन मिलते हैं। मिनरल्स, जो अगला हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसे मैं बोलती हूँ मिनरल्स। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सेवरल ऑफ विच आर मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स। मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मिनरल्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, कॉपर, क्लोरीन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे जो है ये मिनरल्स के एग्जांपल है। जैसे आपने देखा होगा आयोडीन, आयोडीन जो है वो मेरे को नमक से मिलता है, बोलते हैं आयोडीन, आपको नमक वही खाना चाहिए जो कि रिच हो आयोडीन में। तो मिनरल्स मेरे को अलग अलग चीज़ों से मिल सकते हैं, सॉल्ट से मिल सकते हैं, नमक से मिल सकते हैं। मिनरल्स भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वाटर, वाटर भी हमारे एक्सट्रीमली पार्ट होता है हमारे लिविंग थिंग्स का। जो हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, सारे लिविंग थिंग्स हैं, सबको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट द ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट 70% ऑफ वाटर। 70% ऑफ वाटर जो है ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। हमारी बॉडी ज़्यादातर 70% वाटर से ही बनी हुई है। ठीक है बच्चों, नाउ बैलेंस्ड डाइट। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, और सबका, सारे न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना डेफिशिएंसी, डिसीजेस होने लगते हैं। किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण हमें अलग अलग डिसीजेस होने लगते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। डाइट इज द फूड ऑन विच ऑल इंडिविजुअल लिव। डाइट फूड होता है जिससे सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो जीवित हैं अभी तक। अ बैलेंस्ड डाइट मे बी डिफाइंड एज वन विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन इन द करेक्ट प्रपोर्शन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बच्चों बैलेंस्ड डाइट जो होती है मेरी, वो खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों करेक्ट प्रपोर्शन में, मतलब सही मात्रा में, जो कि मुझे एनर्जी प्रोवाइड करें और मेरी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करें। अ बैलेंस्ड डाइट इज़ रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ वंस एज, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन। बैलेंस्ड डाइट जो होती है बच्चों वो सबकी अलग अलग हो सकती है। जो छोटा बच्चा है उसकी अलग बैलेंस्ड डाइट होती है, उसको अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो बड़े लोग हैं उन्हें अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक डायग्राम बना है जो अलग अलग चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ब्रेड, राइस, पोटैटोस, पास्ता, अदर स्टार्ची फूड, फिर मीट, फिश, ये सब डायग्राम में बने हुए हैं। जो हमारी बैलेंस डाइट है उसमें इन सब का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तभी वो एक हेल्दी डाइट कहलाती है। अ बैलेंस्ड डाइट शुड हैव द फॉलोइंग 3 qualities। बैलेंस्ड डाइट में 3 qualities होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या?
It should be rich in various essential nutrients like minerals and vitamins. Balanced diet में सारे nutrients होना ज़रूरी है. It should provide enough raw material needed for the growth, development, repair and replacement of the body tissue. हमारी जो balanced diet है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमको उससे energy मिल सके, जो हमें ग्रोथ में हेल्प करे. हमारे बॉडी के किसी भी टिश्यू में अगर लग जाता है, हमें टिश्यू ख़राब हो जाते हैं, तो वो उसे रिपेयर कर सके या रिप्लेस भी कर सके. इट शुड प्रोवाइड राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. वो हमें राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सके. बैलेंस डाइट मेरी वो होती है जो ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करे. फंक्शन परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब जैसे मैंने आपको अभी बताया ही है, हमने जितने भी कंपोनेंट्स पढ़े हैं फूड के, भले वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, जितने भी हैं, सब के अलग अलग फंक्शन है. कुछ का फंक्शन है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, कुछ जो है हेल्प करते हैं ग्रोथ में, सब के अलग अलग फंक्शन है. यहाँ पे एक डायग्राम चार्ट बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, जिसमें फंक्शंस लिखे हुए हैं. वैसे तो हम सारे फंक्शंस पढ़ चुके हैं, आप इस टेबल को एक और बार पढ़ेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किस चीज़ के क्या क्या फंक्शन होते हैं. बच्चों, माल न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन वर्ड है जो कि यूज़ होता है अंडर न्यूट्रिशन के लिए. कोई भी इंसान अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, प्रॉपर उसकी डाइट नहीं होती है, तो वो माल न्यूट्रिशन कहलाता है, उसे माल न्यूट्रिशन हो जाता है. इंडिविजुअल्स आर मेल नरिश्ड और सफर फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन इफ देयर डाइट डज नॉट प्रोवाइड देम विद एडिक्वेट कैलोरीज, प्रोटीन्स फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ. अगर उसकी डाइट में उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो उसको अलग अलग बीमारियाँ होने लगेंगी और वो माल न्यूट्रिशन नरिश्ड नहीं हो पाएगा. इसे मैं माल न्यूट्रिशन बोलती हूँ. आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करेंगे और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट क्लियर कर सकें. थैंक यू.